नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मजदूरी का हिसाब करना सीखेंगे, मजदूरी का हिसाब। दोस्तों आप सभी का काफ़ी कमेंट था कि सर हम सिंपल मजदूरी का जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा टफ कीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलने वाला है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बिल्कुल ही आसान तरीके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसको काफ़ी ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को 6 मजदूर कितना दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों दो मजदूर है, कोई कार्य दिया गया है उनको, वह जो है दो मजदूर उस कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, यानी उस काम को करके 10 दिनों में समाप्त कर देते हैं। देखिए अब उसी कार्य क्या है, वही है, लेकिन मजदूरों की संख्या 6 कर दी गई। यहाँ पर 2 था तो 10 दिनों में कार्य हो रहा था, मजदूरों की संख्या बढ़ा दिया गया तो कार्य कितना दिन में होगा ना, यही हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों काफ़ी आसान है, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, दो मजदूर 10 दिनों में, तो जो भी क्वेश्चन में सबसे पहले दिया रहता है ना उसी को सबसे पहले लिखते हैं, और निकालना क्या है उसको दिमाग में रखते हैं कि हमको निकालना क्या है। तो देखिए सबसे पहले दिया है दो मजदूर 10 दिनों में, तो यहाँ पर लिखेंगे दो मजदूर उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। कितने दिन में? 10 दिन में। अब देखिए 6 मजदूर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, यह निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों दो मजदूर 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको यह पता करना होगा कि उस कार्य को एक मजदूर कितना दिन में पूरा करेगा। तो दो मजदूर 10 दिन में, तो एक मजदूर कितना दिन में पूरा करेगा? देखिए यहाँ पर क्या है, दो, यहाँ पर क्या करेंगे, दो के आधा कर देंगे यानी एक हो जाएगा, यानी एक मजदूर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो पहले से यहाँ पर 10 है और मैंने 2 के जगह पर 1 कर दिया है, इस 2 को क्या करेंगे ना, बराबर के राइट में क्या कर देंगे, यहाँ पर गुना में लगा देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस 2 को मैंने 1 कर दिया, इस 2 को बराबर के राइट में ले जाकर इसके गुना में लगा दिया। अब देखिए 10 दिन था तो यहाँ पर 10 क्रॉस 2 यहाँ पर दिन है तो दिन हो जाएगा। अब देखिए जब एक मजदूर उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो 10 का गुना करेंगे 2 में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 दिन। क्या हो जाएगा? 20 दिन। अब देखिए एक मजदूर यहाँ पर उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहा है, दो मजदूर 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना, दो मजदूर 10 दिन में पूरा करेंगे, एक मजदूर 20 दिन में पूरा करेंगे, और वहीं पर 6 मजदूर लगा दिया जाए तो इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, यही निकालना है। तो देखिए उसके लिए करना क्या है, यहाँ पर बराबर के लेफ्ट साइड में 6 मजदूर का हमको निकालना है ना, तो बराबर के लेफ्ट साइड में 1 है तो इसमें हम 6 से गुना करेंगे, मजदूर है तो मजदूर लिख देंगे, और बराबर के राइट में क्या है, 20 है, इसमें हम 6 से डिवाइड करेंगे, और दिन है तो दिन लिख देंगे। इसी तरीका से आपको करना है। अब देखिए जब 1 का गुना करेंगे 6 में तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 मजदूर। क्या हो जाएगा? 6 मजदूर हो जाएगा ना। अब देखिए 20 में भाग करेंगे 6 से तो आपका हो जाएगा 6 × 18 यानी 3.33 दिन हो जाएगा। यानी देखिए दो मजदूर 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं, एक मजदूर 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं, 6 मजदूर 3.33 दिन, यानी 3 दिन तो है पूरा, पॉइंट के राइट में जो होता है ना दिन का हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए 33 है तो मान लीजिए अगर 100 रहेगा ना तो उसको हम 1 दिन मानेंगे, क्या रहेगा, यहाँ पर 3 है ना तो 3 दिन मानते हैं, तो 1 को आपको 100 दिमाग में फिट करना है। जब 1 100 है तो 1 का कौन सा हिस्सा है 33, तो 1 का चौथाई हिस्सा है, जैसे दिन का चौथाई हिस्सा यहाँ पर मान सकते हैं। 3.33 दिन कहने का मतलब क्या कि 3 दिन और 1 दिन का चौथाई हिस्सा। इसी तरीका से 6 मजदूर इतना दिन में कार्य करेंगे, और इसी तरीका से आपको इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।